अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और उम्मीद करती हूँ आप सबके जो रोज़े हैं काफ़ी अच्छे गुजरे होंगे। अच्छा जी, मुझे ये गिफ्ट रिसीव हुआ है, ये देखिए निम्को, आज मुझे ये कराची से मेरी सिस्टर ने भेजी है और स्पेशली मेरी बेटी के लिए भेजी है। तो मैं आपको इस निम्को का भी रिव्यू देने लगी हूँ, कराची की बहुत स्पेशल है। तो जो लोग कराची में रहते होंगे उनको तो पता होगा, बहरहाल हमें तो बहुत पसंद आई है, काफ़ी अच्छी इनकी पैकिंग थी आई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सी निम्को आई। ये देखिए जी, ये वाली निम्को है, ये है जी रहमत शीरे की, ठीक है। और कितनी ज़बरदस्त इसकी पैकिंग थी, ये जी उन्होंने TCS करवाया हमें, जिसमें ये मीठा भी है और सारे नमकीन भी, 5 किस्म की वैरायटी थी और बड़ी ज़बरदस्त है, हम लोगों ने खा के भी देखी है। तो ये रोज़ों में ही बड़ा अच्छा लगता है जब आप चाय शाम को पीते हैं, तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। तो इस तरह ही उन्होंने एक एक्स्ट्रा हैंड कैरी भी 7 बजे, इसके अलावा ये जो बिस्किट्स थे ये मैंने लिए थे, तो मैंने इनको जान। अच्छा जी, अब करते हैं इफ्तारी की तैयारी। सबसे पहले जी मैं बना रही हूँ जो एग और चिकन के सैंडविचेस, बहुत आसान तरीके से ये बनते हैं। और ये साथ ही मैं बीटर लेकर आई थी, इसकी भी मुझे ज़रूरत थी। और ये ब्रेड है फ्रेश, इसके लिए मायनेस का इस्तेमाल होगा। अंडे जो है मैंने हार्ड बॉयल कर लिए हैं, ठीक है। चिकन को भी आप देख रहे हैं छोटे छोटे मैंने पीसों में इसको सारा जो है वो पीसेस कर लिए। मैं इसको अच्छी तरह अंडे और चिकन को मिक्स करूँगी, इसका अच्छा सा मिक्सचर जो है ना वो रेडी हो जाएगा, ठीक है जी। ये देखें, ये इस तरफ ये मिक्सचर सारा रेडी हो गया है। अब जो एंड टाइम पे मैं मायो इसके अंदर डालूँगी और एक दूध का भी इस्तेमाल करूँगी, नमक और काली मिर्च डलेगी। दूसरी तरफ जी मैं बना रही हूँ दही भले, इसके लिए जी मैंने तकरीबन 1 से 1.5 किलो के करीब दही है, इसको मैंने अच्छी तरह इससे बीटर से बीट कर लिया। इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच चीनी भी डाली है। इस तरह पकौड़ियाँ जो हैं 2-3 किस्म की, इनको मैंने पानी में भगोया हुआ है ताकि ये नरम हो जाए। दही भल्ले भी मैं खुद घर में बनाती हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनते हैं। इसके लिए जी मैंने जो इमली की खट्टी मीठी चटनी भी रेडी की हुई है। अब दही को बस ये काम है आपने अच्छी तरह बीट करना है। जो पुदीने और सब्ज़ मिर्च की चटनी है वो भी मैं 1-2 दिन के लिए बना के फ्रिज में रख लेती हूँ। ये देखिए, ये मेरी बनी हुई है, ये मैं तकरीबन इस सारी क्वान्टिटी में 3 बड़े चम्मच डालूँगी, ठीक है। अगर आप घर पे दही भले बनाते हैं तो आप खुद जब बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बाहर की निस्बत एक तो साफ़ सुथरे आप अपने हाथों से बनाते हैं, दूसरा ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, ठीक है जी। ये देखिए, मैं ये मिंट की चटनी रेडी हो गई है। अब इसको इस पर अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। आप देखिए साथ ही उसका कलर चेंज हो गया। ये जो मिंट की चटनी है बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आती है दही भले में। साथ ही जो पकौड़ियाँ वो भी मैं अंदर डाल दूँगी, क्योंकि मेरे पास थोड़ी ये पहले भी भिगोई पकौड़ियाँ थी, दूसरी ये भी भिगोई हुई हैं। तो बस ये मैं इसके अंदर डालूँगी। फिर साथ ही जो एक स्पेशल मसाला है जो कि कसरे शीरी से क्रीम भल्लों के साथ आता है, तो मैं इसको सेव कर लेती हूँ, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये तकरीबन ये मैंने सारा डाल दिया। आप इस मसाले को घर पर भी बना सकते हैं, एक क्रश लाल मिर्च वगैरह का बनता है। तो ये वहाँ से तो बने बनाए पैकेट मिलते हैं, तो इस तरह ये मैं ले लेती हूँ, ठीक है। थोड़ी सी लाल मिर्च डालूँगी, नमक डालूँगी, चाट मसाला डालूँगी, ज़ीरा अजवाइन डालूँगी, सादे से मसाले हैं ये, बस आपने अपने अंदाजे से इस तरह डाल लेने हैं, ठीक है जी। ये सब चीज़ें चली गई, अब चाट मसाला जाएगा, इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और साथ ही जो है मैं पकौड़ियाँ अंदर डाल दूँगी। और इसके बाद डालूँगी मैं इमली की खट्टी मीठी चटनी और हमारी जो दही भले बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अच्छा, जो पापड़ी है वो बिल्कुल एंड पे डलेगी, क्योंकि वो पापड़ी जो है वो फिर नरम हो जाती है, इस वजह से एंड पे डालना ज़रूरी है। जब वो बिल्कुल जब मैं सर्विंग करने लगूँगी फिर मैं पापड़ी डालूँगी। दूसरी तरफ सैंडविच का मिक्सचर भी रेडी हो गया। अब ये देखेंगे, मैं इमली की चटनी इसके अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो चटनी है इसकी रेसिपी भी मेरे यूट्यूब चैनल पे है और ये भी कोई 1 वीक के लिए मैं बना के रख लेती हूँ। इतनी ये भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर लेकर आती है जो आपके दही भले में। इस तरह ये दही भले बिल्कुल रेडी हैं। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए, और मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ, ये चने मैंने बॉयल करके फ्रीज़ किए हुए हैं, इसको मैं जस्ट पानी से वॉश करूँगी और ये मैं अंदर डाल दूँगी 1 मुट्ठी के बराबर। बस ये सारा हमारा दही भले का काम था। आप अगर चाहें तो प्याज़ और टमाटर वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन वो मेरी फैमिली पसंद नहीं करती तो मैं नहीं डालती। जिस तरह आपको मेरी वॉइस ओवर से भी पता चल रहा है कि मेरा गला भी थोड़ा सा ख़राब है, तो इसके लिए जी मैं तूत स्या ये मलट्ठी के साथ लाई थी और वो कफ कोल वगैरह लाई थी। तो अब देखें कि इससे अब क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एंटीबायोटिक तो मैं बहुत ले चुकी हूँ, अभी तक कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। ये जी दही भले बिल्कुल रेडी हो गए हैं, इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ ताकि ठंडे हो जाए। दूसरी तरफ जी जो सैंडविच का मिक्सचर है ये भी रेडी है, टाइम पे मैं मायो वगैरह इसके अंदर मिक्स करूँगी। पकौड़ों के लिए भी सब कटिंग वगैरह रेडी है। तो बस ये आपको साथ साथ पकौड़े वगैरह भी बनाऊँगी। अब चलते हैं जी सैंडविच बनाने की तरफ। सैंडविच के लिए ये देखें, मायो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, अंडे और चिकन का सारा मिक्सचर रेडी है, मायो डाल रही हूँ। इसके साथ जी दूध लाजमी जाएगा। दूध से ही होता है कि इतने जूसी सैंडविच बनते हैं ना कि आपको बहुत मज़ा आएगा। सिंपल इसके अंदर नमक जाएगा, काली मिर्च। आप ये कोशिश करें जब भी सैंडविच बनाए खुद पीसें उसको फ्रेश, उससे भी फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। ये काली मिर्च मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच,
और इस तरह ये हमारा बिल्कुल मिक्सचर सिंपल सा और बहुत मज़ेदार किस्म का मिक्सचर ये रेडी होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको यकीन ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है जी, ये सैंडविच का मिक्सचर रेडी हो गया। अब दूसरी तरफ जो ब्रेड मैं लेकर आई थी, ब्रेड आपने कोशिश करनी कि आप ज़रा नरम लेकर आए, उसको आपने फ्रिज में नहीं रखना। ब्रेड को आप रूम टेम्परेचर पर पड़ा रहने दें। दूसरी तरफ मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये बैंगन है, आलू है, बस ये साथ साथ पकौड़ों की भी तैयारी हो रही है। और ये सारा जो बैंगन का मिक्सचर है ये भी सारा रेडी हो गया है। तो जब तक आप हाथों से इसको ना मिक्स करें तो अच्छी तरह मिक्सिंग भी नहीं होती। बस ये मेक श्योर किया करें हाथों को अच्छी तरह धो लें। गोभी के पकोड़े भी बनेंगे, कुछ मिक्स बनेंगे, और पालक भी सारी कटिंग है, ये सब घर फैमिली बना रही है, तो मैंने ये भी क्लिप साथ ही शूट कर लिए थे। इसके अलावा चिकन मैरिनेट किया, चिकन के पकौड़े भी बनेंगे। अच्छा जी, अब बनाते हैं सैंडविच। सैंडविच का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है, ये देखें। इसके ऊपर मैंने शॉपिंग बैग या रैपर वगैरह आप भी चढ़ा के रख सकते हैं फ्रिज में, और एंड टाइम पे सैंडविच में लगाऊंगी। जल्दी जल्दी बस ब्रेड को जो आप इस तरह ही लगाते जाएं, और इस तरह मैं चारों कॉर्नर इसके काट लूँगी किसी भी शेप में, ट्राइंगल या जिस तरह आपको स्क्वायर जैसे भी पसंद है आप इस तरह बना लें। ये बहुत लाइट से होते हैं और इफ्तारी में भी बहुत ये अच्छे लगते हैं, स्पेशली मेरे घर के बच्चों को ये बहुत पसंद है। तो हम लोग ये इफ्तारी में कोशिश करते हैं एक दो दिन के बाद ये मैं ज़रूर बनाऊँ। इस तरह ये मैंने डिश के अंदर भी शॉपिंग बैग रख ली। इससे ये होता है कि सैंडविच जो होते हैं आपकी, ब्रेड जो है वो हार्ड नहीं होती, वो नरम रहती है। ठीक है जी, इस तरह ये सब मैं बना करती हूँ क्योंकि अब इफ्तारी में भी थोड़ा सा टाइम ही रह गया है। उस तरह पकौड़े भी रेडी हो गए, दही भले भी मैंने रेडी कर लिए। ड्रिंक जो है वो सिर्फ मैं अपने हस्बैंड के लिए दूध जामिश्री थोड़ा सा बनाऊँगी। इस तरह आप ये देखिए काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में दो डिशें बन गई हैं तकरीबन सैंडविच की, और जो इस तरह ये सब मैं फ्रिज में रख दूँगी दोनों डिशों को कवर करके। देखिए, और एक ये एक डिश मैंने रख दी और एक ये डिश है। अब इस तरह हम सब फैमिली हम लोग मिलजुल के सारी इफ्तारी करते हैं। अच्छा जी, मैंने सैंडविच बना के रख दिए हैं, दही भल्ले भी मैंने बनाया, सारी रेसिपी भी आपके साथ शेयर की है। अब जी जो नीचे जो किचन में बन रहे हैं वो जी मिक्स पकौड़े हैं, और वो भी छोटे छोटे क्लिप में आपके साथ बनाऊंगी। बस इस तरह ही जो इफ्तारी होती है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बना लेते हैं डिफरेंट किस्म की, तो यकीनन आप लोग भी इस तरह इफ्तारी का तमाम करते होंगे। तो आइए अब चलते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको कि हम पकौड़े कैसे बना। किस तरह अगर जार वगैरह में हम रख लेते हैं तो ये होता है कि वो जो बिस्किट है वो ख़राब नहीं होते। ठीक है, मैंने बॉक्स से निकाल के इस तरह जार में रख लिया है, और ये भी आपका ना एक अच्छी चीज़ होती है। आप चाय वगैरह के साथ, आप जब शाम को रोज़ अफ्तारी के बाद आपका दिल करता है कि कोई ना कोई चीज़ हो। गला जो मेरा वो अभी तक भी नहीं ठीक हो सका, बैठा हुआ है टोटली, तो बस ये मैं गरारे वगैरह कर रही हूँ। और ये देखें जी हमारी ओरियो, ओलो जी जी, बस इस तरह जी ये सारा नीचे लाउंज पे टेबल लग चुके हैं। हम पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह बैठ के सारे इफ्तारी करते हैं। तो बस ये हमारे ये देखे ज़बरदस्त किस्म के पकोड़े भी रेडी हैं। इफ्तारी में बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की जो मेरा ब्लॉग है इफ्तारी का ज़रूर पसंद आया होगा। रेसिपी भी आपको ज़रूर यकीनन पसंद आई होंगी। अब जी दही भल्ले में एंड टाइम पर मैं जो है वो पापड़ी बस डाल रही हूँ, और बिल्कुल हमारा ये बिल्कुल रेडी है। रोज़ा खुलने में तकरीबन 5 मिनट रह गए। अब जी चलते हैं टेबल की तरफ, तो दुआओं में ज़रूर याद रखें, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी इफ्तारी में रूटीन कैसी रहती है, और आप लोग इफ्तारी में क्या क्या तमाम करते हैं। मिलते हैं जी इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।